it's a very big day. कि आज हम ये फिल्म देख रहे हैं. नरेंद्र मोदी और मोदी जी ने बता दिया कि क्या ताकत है उनमें. So I wish everyone all the best, and all the best to Modi ji, and all the best to Vivek. Vivek is a close friend. Suresh Oberoi is 1 year junior to me from the Film Institute, and he's one of the producers. So I wish Suresh all the best, and Vivek is an amazing actor. I'm sure he'll be amazing, and he's going to surprise everyone with his brilliant performance as Mr. Narendra Modi. I wish everyone all the best. सर उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं. मैं तो अभी बॉम्बे में आया हूँ. बट आई नो विवेक इज़ अ लवली बॉय, अमेजिंग फैमिली. आई नो द फैमिली बिफोर विवेक वॉज बॉर्न, बिकॉज सुरेश ओबेरॉय यू वॉज 1 year जूनियर टू मी. सो आई नो द फैमिली इज ग्रेट, दे वोंट डू एनीथिंग रॉन्ग. एंड विवेक इज अ वेरी डिसेंट मैन. ही प्रॉब्ली स्टडीड इन अमेरिकन स्कूल कॉलेज, सो ही वोंट डू एनीथिंग विच इज going to hurt people, and I'm sure about that. Rest mujhe kuch malum nahi, but I'm here to tell people that how great an actor Vivek is, and I wish everyone all the best. Thank you, thank you. Arre sir, main kya rajneeti join karunga sir? Haan, ho sakta hai meri dharm patni jo Modi ji ki bahut badi fan hai, वो अभी गोवा में वो पार्टी कर रही है, क्योंकि मोदी जी जीते हैं. मुझे लग रहा है कि कहीं वो पॉलिटिशियन ना बन जाए, क्योंकि स्मृति ने जो हालत की है, स्मृति ईरानी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर बिकॉज आई नो हर सो वेल. जो उसने किया है, दैट इज़ द बिगेस्ट हिस्ट्री टुडे. बहुत बड़ी हिस्ट्री है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. चुनाव भी बीजेपी ने जीत लिया है जी. क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी है आज का, आज के दिन के? बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फिल्म कल रिलीज़ हो रही है और आज नरेंद्र भाई की इतनी बड़ी जीत हुई है. खुश हैं कि जितने नरेंद्र भाई के फैंस हैं, मुझे लगता है कि वो इस देश के सबसे बड़े हीरो हैं और सबसे असली हीरो हैं, और उनके सब फैन कल हमारे साथ इनकी जीत की जश्न मनाएंगे थिएटर्स में, पीएम नरेंद्र मोदी ये फिल्म देखकर. और इस इंसान, इस वर्चस्व के पीछे क्या कहानी है, वो कल देखेंगे थिएटर्स में. 40 देशों में रिलीज़ हो रही है हमारी फिल्म. बहुत खुश हूँ मैं. आज हमारे लिए, जैसे आपने कहा, डबल सेलिब्रेशन है. बस खुश हूँ, और मैं सोच रहा था कि मुझे राहुल गांधी जी को और कांग्रेस से सर बड़े नेता जिन्होंने हमारी फिल्म को रोकने की कोशिश की, मैं चाह रहा था कि पूरी विनम्रता के साथ उन सबको मैं इनवाइट करूं कि वो आए कल हमारी फिल्म देखें. अब तो हार गए हैं तो थोड़ी छुट्टी ही है उनके लिए, तो आए हमारी फिल्म देखें, और शायद मोदी जी की ये कहानी देखकर उन्हें भी कोई प्रेरणा मिले, उनकी पॉलिटिक्स में भी कोई अच्छा बदलाव आए, सकारात्मक सोच आए. तो यही मेरे एक निवेदन है उन सब से कि आएँ और फिल्म देखें. ऑडियंस इंटरेक्ट किया किस तरह का? मुझे कह रहे हैं ऑडियंस को तो बहुत अच्छी लगी फिल्म, सब लोगों को अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्लैपिंग कर रहे हैं, काफ़ी इमोशंस भी, काफ़ी एक्साइटमेंट भी है फिल्म में, और ट्रिपल सेंचुरी के ऊपर आ गए के बाद बीजेपी का भी बहुत मुबारकबाद सबको, हमको भी मुबारक, देश को मुबारक, क्योंकि देश की तरक्की, देश की जीत है. जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका है, तो अब इस विवाद को भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल फिल्म रिलीज़ हो रही है, और मैं चेहरा हूँ इस फिल्म का. बट इस चेहरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, इन्जॉय करें इस फिल्म की रिलीज़ को जितना हमने इन्जॉय किया इस फिल्म को बनाने के लिए. और ये देशभक्ति के ऊपर एक फिल्म है, एक देशभक्त के बारे में, और हर देशभक्त को पसंद आए ऐसी फिल्म है. तो मैं चाहता हूं कि कल से थिएटर्स में जाकर, चाहे आप 7 साल के हों या 70 साल के, लोग एंजॉय करें इस फिल्म को,
और वो देशभक्ति की भावना जो है वो उमड़ आए। नहीं, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बहुत सकारात्मक तरीके से इस फिल्म की रिलीज़ को एंजॉय करने वाला हूँ, अपनी टीम को सेलिब्रेट करने वाला हूँ। हमारी टीम में 22-23 साल के छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने डैड के साथ भी काम किया, और गर्मी में चाहे वो कच्छ की मिट्टी में, धूल में, 45 डिग्री की गर्मी में हो, या फिर हर्षिल गंगोत्री के 5 फुट बर्फ में -20 डिग्रीज की टेम्परेचर में भी बच्चों ने काम किया, तो मैं चाहता हूं कि उनके साथ में ये सेलिब्रेट करें, क्योंकि ऑनेस्टली ये फिल्म टीम वर्क थी, और हैट्स ऑफ टू आर टीम जिन्होंने इतनी जान डाली इस फिल्म में। उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे इंसान हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा हो। जी देखिए, ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जिसका जो मैसेज है ये यूनाइटिंग मैसेज है, देश को एकजुट बनाने वाला मैसेज है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री का जीवन रहा है, नरेंद्र भाई का जीवन हमेशा यही रहा है, लोग देखें अभी आज का रिजल्ट कि उन्होंने प्रांतों से लेकर रिलीजियस कम्युनिटीज़, कास्ट, सब लोगों को यूनाइट किया है एक इंडिया श्रेष्ठ भारत के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे गुट हैं जो अभी भी भारत के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहते हैं, भारत को विभाजित होते हुए देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम सब एक हों, हम यूनाइटेड हों। तो ऐसे लोगों को ये फिल्म या ये प्रचार जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ वो पसंद नहीं आ रही है बात, उसकी वजह से डेथ थ्रेट्स आए हैं। लेकिन मैं बहुत निश्चिंत हूँ क्योंकि महाराष्ट्र प्रशासन ने और पुलिस ने सिक्योरिटी दी है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा, और डैड और मॉम का आशीर्वाद भी है। मैंने अभी तो जवाब दिया। मैंने अभी अभी जवाब बताया। ओके, जय हिंद। यहाँ पर विवेक एक फोटो में यहाँ पर इसके साथ। हाँ, ये अच्छा नहीं लगेगा इसमें। हाँ, ये मुझे कोई बताता होगा कभी करूँगा। मेरा नहीं था सवाल भाई। चलो हो गया। दीपक नहीं बाबा, डन कौशल दो बड़े लोग। आज जिस तरह से मोदी जी की सुनामी जिस तरह से हुई है और जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, उसी तरह ये पीएम मोदी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करेगी, और भारत का हर नागरिक इस फिल्म को देखना चाहता है, और इससे बढ़िया मुहूर्त क्या हो सकता है कि आज ही चुनाव के नतीजे आए हैं और आज फिल्म प्रदर्शित होने जा रही है, और बहुत लोगों को भाएगी और लोगों को बहुत पसंद आएगी। अद्भुत नहीं, मैं तो कहता हूँ जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। जो समय आज आया है तो फिल्म भी अपना एक भाग्य लेके आई है, और जो आज प्रदर्शित होने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया मुहूर्त और इससे बढ़िया डे नहीं होता।